गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद वर्मा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, प्रकाश इंटर कॉलेज। आज मैं आपको कक्षा 12 में फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज चर्चा करूंगा, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको ठोस अवस्था के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ठोस अवस्था क्या होती है या अवस्थाएँ कितने प्रकार की होती हैं। इसके अलावा मैं आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता चुका हूँ। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में जानेंगे। जब बात चलती है क्रिस्टलीय ठोस की, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में अणु, परमाणु या आयन, जो भी उसके घटक कण होती हैं, वो एक व्यवस्थित तरीके से पाए जाते हैं। उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है और ये व्यवस्था पूरे पूरे पदार्थ में पाई जाती है, और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, दीर्घ परिसर व्यवस्था। तो जिन ठोसों में अणु, परमाणु या आयन की दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस के कई तरह के प्रकार हैं, जो महत्वपूर्ण प्रकारों में हैं। उनका जो कारण है, उनमें पाए जाने वाले घटक कण, तो घटक कण आपको मैंने जैसे बताया कि घटक कण आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला घटक कण क्या हो सकता है? आपका परमाणु हो सकता है। दूसरा घटक कण आपका अणु हो सकता है, और तीसरा घटक कण आपका आयन हो सकता है। अब इन्हीं पे एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, वो है परमाण्विक ठोस। परमाण्विक ठोस या एटॉमिक सॉलिड। परमाणविक ठोस में, परमाणविक क्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कण होते हैं, वो परमाणु होते हैं, और इनके बीच में जो बंध पाए जाते हैं, वो दुर्बल वैन डेर वाल्स बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि ठोस अवस्था में आयोडीन, ठोस अवस्था में जो आयोडीन पाई जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो परमाणविक ठोस का एग्जाम्पल है। आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है ठोस क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में। एक, घटक कण कौन से हैं? अणु है, परमाणु है कि आयन है? और दूसरी बात, उनके बीच में बॉन्ड कौन से हैं? तो आपके परमाणविक ठोस में, जिसका एग्जांपल आपका आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब के सब अधातुएं हैं। जो आयोडीन, जिसका परमाणु क्रमांक 53 होता है, 53, ठीक है, आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है, और आयोडीन जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, वो परमाण्विक ठोस के रूप में पाई जाती है। इसी तरह से जो सल्फर है, S8, इसी तरह से जो फास्फोरस है, P4, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन इनके जो घटक कण होते हैं, वो परमाणु पाए जाते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं आपके वैन डेर वाल्स बॉन्ड या वैन डेर वाल्स बंध, ठीक है। ये जो वैन डेर वाल्स बॉन्ड है, ये आपके सहसंयोजी बंध और वैद्युत संयोजी बंध से बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। मतलब ये एक तरह का दुर्बल बंध है, जो कि कुछ परमाणविक ठोसों के परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो ठोस होता है आपका, वो होता है आपका आणविक ठोस। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, आणविक ठोस, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनके जो घटक कण होंगे, वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे। जैसे कि आपने बर्फ देखी होगी, आइस देखी होगी, बर्फ किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। और बर्फ में, बर्फ एक तरह का क्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें घटक कण जो होते हैं,
वो जल के अणु होते हैं, H2O होते हैं, और H2O या सॉलिड फॉर्म में जिसे हम लोग बर्फ कहते हैं, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका आणविक ठोस का। इसी प्रकार से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी आपका आणविक ठोस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अब इनके बीच में जो बंध पाए जाते हैं वो आपके सहसंयोजी बंध इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की ठोस की, जो कि होता है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से ही क्लियर है कि इसके जो घटक कण होंगे वो आयनिक आयन होंगे। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नमक NaCl, जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। NaCl में दो तरह के आयन पाए जाते हैं, एक आपका सोडियम आयन जो कि धनावेशित होता है, एक आपका क्लोराइड आयन जो कि ऋणावेशित होता है। क्योंकि इनके जो घटक कण हैं, जिनके क्रिस्टल जालक में जो घटक कण पाए जाते हैं वो आयन पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयनिक ठोस कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है कि आयनिक ठोस के गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हाई होते हैं कंपेयर टू अदर सॉलिड्स। तो इसका रीजन क्या होता है कि धनावेशित आयन सोडियम और ऋणावेशित आयन क्लोराइड के मध्य प्रबल वैद्युत स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है, जो कि किस नियम के आधार पर काम करता है? जो कि कूलाम के नियम के आधार पर काम करता है, F=1/4πε0Q1Q2/r2। ये जो स्थिर वैद्युत बल है वो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगता है। इसी प्रकार से आयनिक ठोस में भी सोडियम धनायन है और Cl- क्लोराइड ऋण आयन है, और इनके मध्य कौन सा बल लगता है? आपका स्थिर वैद्युत बल लगता है, जिसकी वजह से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मतलब आपका जो सोडियम जो धनायन है वो चारों तरफ से क्लोराइड ऋण आयनों से घिरा रहता है, एक जालक जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो क्लोराइड ऋण आयन है ये चारों तरफ से सोडियम धन आयनों से घिरा होने की वजह से ये इसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाता है और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। इसी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होते हैं कंपेयर टू अदर सॉलिड्स, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो अधिकांश जितने भी लवण होते हैं, जैसे आपका NaCl, MgSO4, CuSO4, FeSO4, या आप खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ये जितने भी लवण होते हैं उनमें, क्योंकि लवणों का निर्माण आपके धातु और अधातु आयनों से मिलकर होता है, धनायन और ऋणायनों से मिलकर होता है, और इनके बीच में पाया जाने वाला जो ये बल है बहुत अधिक प्रबल होता है, इसकी वजह से इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुत अधिक उच्च होते हैं, मतलब निम्न नहीं होते। और इसे आयनिक ठोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण धनावेशित और ऋणावेशित आयनों से मिलकर होता है। एक चौथे प्रकार का भी ठोस होता है जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। क्या कहते हैं? धात्विक ठोस। अब जब बात करते हैं धात्विक ठोस के, तो जितने भी हम ठोस धातु देखते हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो कॉपर है, जितने भी सॉलिड फॉर्म में धातुएं पाई जाती हैं, इनमें धातु के धनायन इलेक्ट्रॉन के एक समुद्र में घिरे हुए पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और उनमें धातु धनायन पाए जाते हैं। तो जिनमें धातु धनायन पाए जाएंगे केवल और इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं कि जैसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो, और उनमें आपके धातु के धनायन तैरते हुए पाए जाते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन में पाए जाते हैं,
तो जहाँ पर धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहलाता है आपका धात्विक ठोस। अगर बात करते हैं इनकी मध्य फोर्स कौन सा लगता है, तो धात्विक बल, मतलब आपका जो धात्विक ठोस है उनके धातु आयनों के मध्य धात्विक बंध कार्य करता है। और ये भी क्रिस्टलीय सॉलिड का एक एग्जांपल है। अब इसके एग्जांपल में आप चाहे प्लेटिनम लिख सकते हैं, चाहे आप गोल्ड लिख सकते हैं, चाहे आप सिल्वर लिख सकते हैं, चाहे आप कॉपर लिख सकते हैं, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। पारा को छोड़कर अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। तो जितने भी धातुएं ठोस अवस्था में हैं वो सब के सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल हैं, वो भी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत धात्विक ठोस। एक बार मैं और रिवाइज करना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस आपके चार प्रकार के होते हैं दो बातों के आधार पर। पहली बात उनके घटक कणों के आधार पर, जो कि कौन हो सकते हैं, आपके परमाणु हो सकते हैं, घटक कण अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उनके मध्य पाए जाने वाले बंध के आधार पर, उनके बीच में पाए जाने वाले घटक कणों के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड के आधार पर। तो ये इन दो बातों के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था परमाणविक ठोस, तो परमाणविक ठोस में आपको ये याद रखना है कि जो परमाणविक ठोस होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उनके मध्य वान डर वाल्स बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था आणविक ठोस। आणविक ठोस को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसके एग्जांपल में आपका हीरा ग्रेफाइट भी आया। तीसरा मैंने आपको आयनिक ठोस बताया, जो कि आयनों से मिलकर बना होता है, उनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। और चौथा ठोस आपका धात्विक ठोस है, ठीक है, जो कि धातु के धनायनों के मध्य पाया जाता है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करूंगा, कल इसी के आगे के टॉपिक स्टार्ट किए जाएंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए।